जैसे कि हम किसी सीरियल के लिए सिलेक्ट होते हैं, मान लीजिए कि हमारा लीड है, तो वहाँ पे जाते हैं तो या हमारे जो पार्टनर होता है उनसे ही हमें डिस्कस करना चाहिए जितने भी, क्योंकि सीरियल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्या उस सबसे हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या रोल है? देखिए, पहली बात तो आपको जब स्क्रिप्ट मिलेगी तभी पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन कैरेक्टर आपके साथ में है। जी। फिर आपको डायरेक्शन डिपार्टमेंट ब्रीफ देने ही वाला है। जी। पहले उसको पहले अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद अच्छी बात होगी खासतौर से शुरुआत में भी, और मैं तो कहूंगा बाद में भी, पहले तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो, मतलब सिर्फ अपने डायलॉग्स नहीं। ये नए एक्टर बहुत गलती करते हैं कि सिर्फ वो अपने डायलॉग्स को पढ़ते हैं। यस सर। आप पूरे डायलॉग्स को पढ़िए। जी। उसको क्या होता है, उससे पूरा का पूरा सीन समझ में आता है। अच्छा, इसका कॉन्फ्लिक्ट ये है, इसका कॉन्फ्लिक्ट ये है, इस बारे में बात हो रही और ये डिसीजन हो रहा है, पूरा सीन समझ में आ गया। उसके बाद आप चाहो तो अपने जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके पास चले जाओ कि मेरे को एक रिहर्सल करनी है आपके साथ, एक सिटिंग करनी है मुझे, एक स्क्रिप्ट रीडिंग करनी है, सब तैयार हो जाते हैं। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। जैसे कि स्क्रिप्ट में होता है लाइन बाय लाइन बोलना होता है, सबको इसने बोला उसने सबने बोला था, तो हमें जितने भी लोग बैठे हैं उनको पूछना चाहिए कि आपका कौन सा रोल है, ये किसका, ये पूछना चाहिए। आप बोलोगे ना कि मैं तो ये वाला करेक्टर कर रही हूँ, आप लोग कौन कौन से, ये बोल सकते हो, तो नॉर्मल है। लेकिन स्क्रिप्ट रीडिंग एक बार कर लेनी चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और ये हम लोग को लगता है कि नए एक्टर्स को वो लोग सपोर्ट नहीं करते, बल्कि बहुत सपोर्ट करते हैं। आप देखो ना, एक इमोशनल कनेक्शन होता है किसी भी एक्टर का। आज आप जब नए जाते हो, वो भी तो कभी नया आया था, तो उसको भी सपोर्ट मिला था। हाँ, ये हो सकता है कि बोले कि चलो मेकअप के बाद बैठते हैं, या मैं चेंज कर लूँ उसके बाद बैठते हैं, या दो मिनट बाद बैठते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मान लो कोई एक आदमी बिजी है मेकअप में, तो आप बाकी लोगों के साथ सिटिंग कर सकते हो, जितना बेस्ट पॉसिबल है वो करो, लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना नहीं, करना ही चाहिए। जैसे कोई डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर होता है, काम करते करते कई बार हमें हमारा काम नहीं होता, मतलब जो जिस तरह से डायलॉग होना वो नहीं होता, तो वहाँ पे ये बोले तुम नहीं कर सकते हो, तुम किसी काम के नहीं, वहाँ पे हमारा क्या होता है एकदम से जब दिमाग में ये बात ये आती है तो मैं कॉन्फिडेंस लो होता है। और कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं कि पहली बार की परफॉर्मेंस में ऐसे बोल देगा, फिर वही डायरेक्टर दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मतलब कि संगीता तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम्हारा अगली बार फिर ये, फिर अगर दूसरे दिन वो बोलता, कल तक वो बोला था तू नहीं कर सकती, तू नहीं है इसमें। देखो, वो ना जो नाराज हुए एक मोमेंट के लिए हुए, वो आपकी उस परफॉर्मेंस के लिए हुए, तो परफॉर्मेंस उस दिन के साथ गई। ऐसा नहीं है डायरेक्टर आपको एक बार में उसी शॉट के लिए डांटेगा, और हो सकता है 15 मिनट बाद उसी चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करेगी, चल अच्छा करा। वो भी उस टाइम बहुत प्रेशर में होता है ना, और कई बार ना डायरेक्टर की ट्रिक भी होती काम कराने की कि अब सुन ही नहीं रहा है तो सारे हथियार चला लिए, अब जरा इसको एक डोज दे दिया जाए जरा ब्रह्मास्त्र का उसके बाद सीरियस होगा। क्या होता है कई बार एक्टर ना ध्यान से सुनते भी नहीं है, मान लो एक ही बात वो बार बार बता रहे, बार बार बता रहे, बार बार बता रहे, तो उनका भी तो टाइम जाया हो रहा है ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ इस समय मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, अब मुझे ठीक करनी है। उसने बोला तुम नहीं बन सकते, हमने भी डिसीजन ले लिया, तो गड़बड़ है। वो डिसीजन हमेशा हमारा होना चाहिए कि यहाँ मेरी परफॉर्मेंस खराब थी, मेरा डिसीजन है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करूंगी, बेहतर करूंगी, बस हो गया। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join films someday.